अस्सलामुअलैकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो सेटिंग्स हैं वो आप WooCommerce के अंदर कर सकते हैं और कौन कौन से सेटिंग्स अवेलेबल होते हैं और उनके साथ आप प्ले कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपने कंप्लीट कोर्स वर्डप्रेस का पहले देख चुके हैं, जो कि मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, तभी आप इस पूरी सीरीज़ को अच्छे तरीके से फॉलो कर पाएंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से कौन सी सेटिंग्स अवेलेबल हैं WooCommerce के अंदर और कौन कौन सी सेटिंग्स के साथ आप किस किस तरह से चेंजेस और सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं इन सारी सेटिंग्स को। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लैपटॉप स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए हम पेजेस के सेक्शन के अंदर मौजूद हैं। जैसे ही आप WooCommerce इंस्टॉल करते हैं और एक्टिवेट करते हैं, कुछ पेजेस ऑटोमेटिकली आप क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कार्ट, चेकआउट, माय अकाउंट और शॉप, इस तरह के पेजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। इन पेजेस को आपने डिलीट नहीं करना क्योंकि ये जो लिंक्ड हैं WooCommerce के साथ लिंक्ड है। जब आपका यूज़र जो है कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है तो वो डिफरेंट पेजेस के ऊपर जाता है, जो कि ये वाले पेजेस हैं। तो एक बेसिक सी बात है। तो चलते हैं अब फाइनल चीज़ की तरफ, जो कि हमारे पास है WooCommerce की सेटिंग्स। तो यहाँ पे हम आते हैं WooCommerce के अंदर और सेटिंग्स के अंदर आते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट टैब्स मौजूद हैं। सबसे पहले जनरल टैब है। जनरल टैब के अंदर यहाँ पे आप बेसिकली अपने स्टोर का एड्रेस वगैरह दे सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपनी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किस करेंसी के अंदर पेमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे और वो सारी चीज़ें यहाँ पे, ये बेसिक चीज़ें हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर और यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास शॉप पेज है, कौन सा शॉप पेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, किस पेज को आपने शॉप पेज बनाना है। मैं रिकमेंड करूँगा इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, आपके पास इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक बात कर देता हूँ कि अगर आपसे ये पेज डिलीट हो जाए, बाय मिस्टेक ये पेज डिलीट हो जाए आपसे, तो फिर आपको क्या करना है शॉप पेज को दोबारा बनाने के लिए। सिंपल आपने एक न्यू पेज बनाना है, सिंपल उसका नाम शॉप रखना है और यहाँ पे आके सेटिंग्स के अंदर आके इस प्रोडक्ट वाले ऑप्शन के अंदर आके यहाँ पे वो वाला पेज को सिलेक्ट करना है। ये ऑटोमेटिकली शॉप पेज बन जाएगा और सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर जाएंगे, राइट। तो ये बेसिक से सेटिंग्स हैं। उसके बाद प्लेस होल्डर इमेज कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कितनी इमेजेस शो होंगी। आपने अक्सर प्रोडक्ट्स पे देखा होगा कि डिफरेंट एक मेन इमेज होता है, उसके नीचे छोटे छोटे और इमेजेस होते हैं, कितनी इमेजेस आएंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद मेजरमेंट यूनिट्स है, यहाँ पे आप मेजरमेंट यूनिट्स सेट कर सकते हैं। कई कंट्रीज़ में KG चलता है, किसी के अंदर LBS, तो क्लाइंट आपसे डिमांड कर सकता है कि मुझे ये स्पेसिफिक यूनिट्स चाहिए, जो कि आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद इनेबल रिव्यू, क्या यूज़र्स जो हैं वो रिव्यू दे सकते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर या नहीं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कुछ इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं शिपिंग के अंदर। सिंपल सा काम है, आप यहाँ पे शिपिंग के रेट सेलेक्ट कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं किन किन कंट्रीज़ के अंदर, किन किन रीजन्स के अंदर आप शिपिंग करेंगे और उसके बाद उनके ऊपर शिपिंग के कैलकुलेशन, शिपिंग के टैक्स वगैरह क्या होंगे, वो सारी चीज़ें आप इस वाले सेक्शन से कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल आप ऐड शिपिंग करेंगे, स्पेसिफिक कंट्री का नाम देंगे, वहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे फ्री शिपिंग आप कर रहे हैं या आप कोई चार्जेस ले रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं पेमेंट्स के अंदर। अब ऑब्वियसली बात है, ये क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है, यहाँ पर आपने क्या करना है, पेमेंट्स रिसीव करनी है ऑन द साइट। तो यहाँ से आप अपने जो पेमेंट मेथड्स हैं वो सेटअप कर सकते हैं, WooCommerce पेमेंट्स, डायरेक्ट बैंक पेमेंट्स। आपने सिंपल इसको इस तरह से इनेबल करना और यहाँ से आगे सेटअप कर लेना, अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद चेकआउट पेमेंट, चेक पेमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी को आप सेटअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इसको ऑन कर दें और मज़ीद इसको सेटअप कर दें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ लोकल पेमेंट मेथड्स की, जैसे अगर पाकिस्तान के अंदर जैस कैश इजी पैसा चल रहा है, तो आप उसको किस तरह से अपनी WooCommerce वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, या कोई क्लाइंट आपका डिफरेंट कंट्री के अंदर रहता है और उसका कोई लोकल पेमेंट मेथड है, जैसे नाइजीरिया हो गया, इंडिया हो गया, तो इनके अंदर आपको किस तरह से वो सारी चीज़ें सेटअप करेंगे, वो भी हम आगे चल के बात करेंगे। एक एक मेथड के अबाउट मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक स्पेसिफिक पेमेंट मेथड किस तरह से अटैच करना है आपने
अपने उसके अंदर, जैसे जैज कैश के अबाउट में कंप्लीट सेटअप वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर बताऊंगा कि इस तरह से आपने जैज कैश सेटअप करना है अपने वूकॉमर्स स्टोर के अंदर, राइट। तो यहाँ पे अभी आपको लिमिटेड ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आगे चल के यहाँ पे और ऑप्शन ऐड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द पेमेंट मेथड्स, राइट। अब यहाँ पे हम बारी आ जाती है अकाउंट्स एंड प्राइवेसी की। यहाँ पे आप डिफरेंट अकाउंट्स एंड प्राइवेसी सेटअप कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे गेस्ट चेकआउट है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो यूज़र है, कस्टमर है, वो अकाउंट की बनाए बगैर आपकी वेबसाइट पे कोई भी चीज़ परचेज कर सके, तो यहाँ पे आप उसको सेटअप कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो अकाउंट बनाए तभी परचेज कर सके, तो उसकी सेटिंग्स भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये सारी सेटिंग्स हैं कि आप अकाउंट क्रिएशन, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, इस तरह से चीज़ें हैं जो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट इंश्योर रिक्वेस्ट, रिमूव पर्सनल डाटा फ्रॉम ऑर्डर्स ऑन रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। रिमूव एक्सेस टू डाउनलोड ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है, पर्सनल डाटा रिमूवल, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन प्राइवेसी पॉलिसी, अक्सर आप जब चेकआउट के पेज पे होते हैं तो नीचे की तरफ एक ऑप्शन आ रहा होता है कि ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी आप पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे आप उसका लिंक ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही यहाँ पे चेकआउट, ये रजिस्ट्रेशन वाला है और ये चेकआउट वाले पेज का जो है प्राइवेसी पॉलिसी का डिस्क्लेमर है। उसके अलावा पर्सनल डाटा रिटेंशन, चूज़ हाउ लॉन्ग रिटेन पर्सनल डाटा व्हेन इट्स नॉट नो लॉन्गर टू प्रोसेस, तो यहाँ पे इनको आप ब्लैंक ही रहने दें, क्योंकि आपके पास कोई ऑर्डर आया उसको आप ऑटोमेटिकली कैंसिल या फॉरवर्ड या प्रोसेस नहीं करना चाहेंगे, तो इसको यहीं पे रहने दें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं कि जब भी कोई यूज़र कोई ईमेल बनाए, ठीक है, मतलब ईमेल इन सेंस कोई भी यूज़र आपके स्टोर से कोई भी चीज़ ऑर्डर करे, तो उसको कौन कौन सा जो है वो ईमेल जाना चाहिए। जैसे एक यूज़र आपके वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आया है और उसने आपकी वेबसाइट से कोई चीज़ ऑर्डर की है, उसके बाद उसको ये ईमेल जानी चाहिए। इसको आप मज़ीद मैनेज कर सकते हैं कि इसके अंदर आपने क्या लिखना है, किसकी तरफ से ये ईमेल जाएगी। यहाँ पे देखें कंग्रेचुलेशंस ऑन सेल, यहाँ पे आप पूरा डिटेल लिख सकते हैं जो कि उस कस्टमर को जाएगी। उसके अलावा हम अगर बैक आएँ तो यहाँ पे देखें कैंसिल ऑर्डर, ठीक है, अगर आप कोई भी ऑर्डर आपने कैंसिल किया है किसी वजह से, आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, आउट ऑफ द स्टॉक है, या आप उस कंट्री में शिप नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसका मैसेज सेटअप कर सकते हैं जो कि उस कस्टमर को चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप हर तरह की ईमेल्स की सेटअप कर सकते हैं, रीसेट पासवर्ड एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है इंटीग्रेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इंटीग्रेशंस मौजूद होती हैं जिनको हम सेटअप करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, जिस तरह से जियोलोकेशंस हो गई, ठीक है, आप उस तरह से सेटअप कर सकते हैं आपकी वूकॉमर्स वेबसाइट के अंदर। डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ऑलरेडी बता दिया जाता है कि आप इस कंट्री के अंदर शिप हो सकते हैं या इसमें नहीं हो सकते, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। मज़ीद आगे चल के हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। अब बात चलते हैं एडवांस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हम एडवांस के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास है कार्ड पेज, चेकआउट पेज, माय अकाउंट पेज, टर्म्स एंड कंडीशन पेज। अब यहाँ पे देखें, ये वही पेजेस हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। अगर आपसे ये किसी तरह से डिलीट हो जाते हैं तो आप इसी तरह से इनको क्रिएट करके और यहाँ से इनको स्पेसिफिक पेजेस को, उन पेजेस को सिलेक्ट कर दें, तो ऑटोमेटिकली कार्ड पेज, चेकआउट पेज ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। जस्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने और काफ़ी सारी सेटिंग्स मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स मौजूद हैं जैसे REST API, webhooks हो गया, ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, तो इनको अभी के लिए हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमने सेटिंग्स को डिस्कस कर लिया, कंप्लीट चीज़ों को डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी सेटिंग्स मौजूद हैं WooCommerce के अंदर। अब चलते हैं हम ज़रा प्रोडक्ट्स की तरफ। प्रोडक्ट्स के अंदर जो मेन चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ऐड न्यू प्रोडक्ट। अगर हम ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्राइसिंग लिखेंगे और सेल प्राइसिंग लिखेंगे। और यहाँ पे हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, शिपिंग कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या वेट और हाइट है इस प्रोडक्ट की, ठीक है। लिंक प्रोडक्ट्स जो आपके बेसिकली प्रोडक्ट शो हो रहा होता है और उसके नीचे रेलिवेंट प्रोडक्ट, रिलेटेड प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं, तो वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं जिस तरह से डिफरेंट कलर्स, वो सारी चीज़ें भी हम आगे चल के देखेंगे।
एडवांस हो गया और ये सारी चीज़ें होंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे आप स्पेसिफिक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की। तो और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्रोडक्ट डाटा, आपका प्रोडक्ट कैसा है, सिंपल प्रोडक्ट है, वर्चुअल प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से डील कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक प्रोडक्ट ओपन करके उसको एडिट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से वो फ्रंट एंड पे नज़र आएगा, किस तरह से बैक एंड पे वो शो हो रहा है। तो अगर मैं इसी प्रोडक्ट को क्या कर लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ और इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट शो हो रहा है और ये सारी डिटेल्स कुछ इस तरह से शो हो रही हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे देखें ये टाइटल है, तो यहाँ पे ये टाइटल शो हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली सेटिंग्स के अंदर ये टाइटल्स को हाइड किया गया है, तो ये टाइटल यहाँ पे आप शो भी करवा सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है, जो कि यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्राइसिंग आप सेटअप कर रहे हैं, जो कि प्राइसिंग आपकी यहाँ पे शो हो रही है। ये देखिए 32-35 ओरिजिनल प्राइस, बट डिस्काउंटेड प्राइस आपकी है $32, वो आप डिस्काउंटेड इस तरह से ये देखें 35 रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस $32। उसके बाद ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये वाली डिस्क्रिप्शन है, और ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है वो आपकी यहाँ पे शो होगी, ये वाली, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पे देखें हमने कैटेगरी सेलेक्ट की है मेन शूज़, और यहाँ पे देखें हमारा कैटेगरी शो हो रही है मेन शूज़ के अबाउट। ये जो स्टाइल है ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द थीम, अगर आप कोई और थीम यूज़ कर रहे हैं रादर देन आस्ट्रा, तो ये स्टाइल जो है वो डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे देखें रिलेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, रिव्यूज़ आपके यहाँ पे सारे शो होंगे और कस्टमर यहीं से रिव्यू दे सकते हैं इस प्रोडक्ट को, राइट। तो इस तरह से कुछ सेटअप्स हैं और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक बेसिक से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है और एवरीवन नोज कि किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट को ऐड करना है। आगे चल के हम कुछ मज़ीद टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिस तरह से कस्टम चीज़ें करनी है, कस्टम चेकआउट पेज बनाना है, कार्ड पेज बनाना है, उसके साथ साथ कोई चीज़ हाइड करनी है स्पेसिफिकली, किसी बटन का कलर चेंज करना है, कोई एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड करना है, और ये सारी चीज़ें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बेसिक सेटिंग्स जो हैं वो WooCommerce की समझ आई होंगी। अगर स्टिल आपको नहीं समझ आई तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ ये कि आपने WordPress का कंप्लीट कोर्स नहीं देखा। अगर आप WordPress आता है तो ये बेसिकली WordPress की एक इंटीग्रेशन है, तो आपको WordPress का कंप्लीट कोर्स देखना चाहिए ताकि ये वाली सीरीज आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।